दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। उर्मिला नाश्ता करके किचन में जाकर हाथ धो रही होती है, तभी अचानक नल में पानी आना बंद हो जाता है। तभी वो किचन से बाहर आती है तो देखती है कि उसकी बहू पीहू सामने से बालों को तौलिए से पोंछती हुई आ रही है, जिसे देखकर उर्मिला कहती है, कराई पानी खर्च, तभी तो कहूँ हमारे घर में हमेशा पानी का अकाल क्यों पड़ा रहता है। माजी, पानी कौन खर्च करता है? खर्च नहीं करता है, बर्बादी तो करता है ना। और मेरे घर में सबसे ज्यादा पानी की बर्बादी करने वाली तू है, तभी मैं कहूँ सबसे पहले मेरे यहाँ ही पानी क्यों खत्म हो जाता है। अब माजी, गर्मी हो रही है तो सीधी सी बात है कि नहाने गई थी, अब मुझे अकेली के नहाने से कौन सा पानी की टंकी खाली हो गई। आप बिना कुछ भी बोलते हो। अगर तू अभी नहाने गई थी तो सुबह कौन नहा कर आया था? तेरा भूत सुबह नहा कर ही किचन में आई थी ना। सुबह तो मैं ही नहाने गई थी, लेकिन अब उस बात को घंटों बीत गए हैं। मैंने इतना काम किया, पसीना आ गया तो फिर नहाने चली गई। बस कर बहू, इतना नहाने की क्या जरूरत है? इतना पानी की बर्बादी मत किया कर, वरना एक एक बूंद के लिए तरस जाएगी। माँ जी, एक बात बताओ, आपके मेरे नहाने से परेशानी क्या है? तेरे नहाने से नहीं, बार बार नहाने से परेशानी है। अब आपको साफ सफाई रखने में भी दिक्कत है क्या? अरे, नहाने से बंदे को अच्छा फील होता है। बहू, तेरे अच्छा फील होने के चक्कर में मेरी पानी की टंकी तो खाली हो जाती है और उसको भरने के लिए बिजली लगती है, और बिजली के बिल में मेरा सारा बटुआ खाली हो जाता है। उर्मिला अपनी बहू पीहू की दिन में कई बार नहाने की आदत से बहुत परेशान थी। पीहू की इस आदत के चलते उर्मिला के घर में आए दिन पानी की किल्लत रहती। वो अपनी बहू को बहुत समझाने की कोशिश करती, लेकिन पीहू को अपनी सास की कोई बात समझ में नहीं आती। ऐसे ही कुछ समय बीतता है। तभी एक दिन शाम के समय सभी लोग हॉल में एक साथ बैठकर चाय पी रहे होते हैं। तभी प्रदीप ऑफिस से आकर अपनी माँ से कहता है, हाँ चलो चलो, अभी मुझे नहाना भी तो है, उसके बाद तैयार भी होना है, तभी तो पार्टी में जाएंगे। लगता है तुम्हें सुनाई नहीं दिया, मैंने कहा हमें आज पार्टी में जाना है, अभी थोड़ी देर में। मैंने कौन सा बोला कि हम परसों जाएंगे? मैंने भी यही बोला कि हम जा रहे हैं। यार, तुम अभी नहाने जाओगी फिर तैयार होगी, हम कल ही पहुँचेंगे। क्या तुम पूरे दिन बस नहाना नहाना करती रहती हो? एक काम करो, तुम अपना बिस्तर ही बाथरूम में लगवा लो, पूरे दिन बस नहाती ही रहा करो। देखो प्रदीप जी, आपको जो बोलना है वो बोलो, मैं नहाए बिना बिल्कुल नहीं जाने वाली। भैया, भाभी, आप लोगों की बहस में हम लोग और लेट हो जाएंगे। गायत्री बिल्कुल सही कह रही है, क्या तुम दोनों बच्चों की तरह लड़ रहे हो? ठीक है, तुम जाओ नहाने, लेकिन जितना समय सबको मिलेगा उतना ही तुम्हें मिलेगा। अगर तुम नहीं आई तो हम तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। ठीक है। कुछ समय बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में तैयार होने चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद तैयार होकर हॉल में इकट्ठे होते हैं, सिवाय पीहू के। कुछ देर इंतजार करने के बाद भी जब वो नीचे नहीं आती, तभी अपनी कही बात के अनुसार प्रदीप पीहू को घर पर ही छोड़कर सभी को लेकर पार्टी में चला जाता है। कुछ समय बाद जब पीहू नहा धोकर तैयार होकर नीचे आती है तो देखती है कि पूरे घर में कोई नहीं है, और वो समझ जाती है कि सभी लोग उसे छोड़कर पार्टी में चले गए हैं, और वो गुस्से में सोफे पर बैठकर सबके आने का इंतजार करने लगती है। और कुछ समय बाद जब सभी लोग घर वापस आते हैं तो पीहू प्रदीप से कहती है, आप तो मुझे सच में छोड़ के चले गए। हाय, मुझे तो लगा था मजाक कर रहे हैं। मैं तुम्हें कोई कॉमेडियन दिखाई देता हूँ जो ऑफिस से आकर तुरंत तुमसे मजाक करूँगा? मुझे फैमिली के साथ आना जाना था और मैं ज्यादा रात नहीं कर सकता था, इसीलिए चला गया। प्रदीप जी, एक बार जाने से पहले आवाज तो दे रहे थे, मुझे क्या फायदा हुआ मेरा इतना तैयार होने का। भाभी, लेकिन सच में पार्टी बहुत अच्छी थी, आपने अपने नहाने धोने और तैयार होने के चक्कर में इतनी अच्छी पार्टी मिस कर दी। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसके नसीब में था वो गया, जिसके नहीं था वो नहीं गया। अब मैं तो जा रहा हूँ सोने, इतनी अच्छी पार्टी अटेंड करने के बाद मुझे बहुत अच्छी नींद आ रही है। ये बात तो बिल्कुल सही कही बेटा, सच में बड़े दिन बाद घर से निकलकर बहुत अच्छा लग रहा है। ओके भाई, गुड नाइट। प्रदीप जी, आप लोगों ने तो खा पी लिया, लेकिन मुझे तो भूख लगी है ना, मैं क्या खाऊं? एक काम करो, जाकर एक दो बार और नहा लो, इससे तुम्हारा टाइम भी पास हो जाएगा और तुम्हें भूख का एहसास भी नहीं होगा। इतना कहकर सभी लोग अपने अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं, और अपने नहाने की आदत के चलते पीहू अपने घर वालों के साथ नहीं जा पाती और उसे पूरी रात भूखे ही गुजारनी पड़ती है।
फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। ऐसे ही दिन बीतते हैं। तभी एक रोज उर्मिला अपनी पड़ोसियों से मिलने के लिए जाती है, जहां उसे पता चलता है आगे पानी की पाइपलाइन में दिक्कत होने के कारण आज से कुछ दिनों तक पानी नहीं आएगा, जिसके चलते वो अपनी जरूरत के अनुसार पानी भर कर रख लेती है। लेकिन ये बात वो अपनी बहू पीहू को बताना भूल जाती है, जिसके कारण पीहू पानी का इस्तेमाल रोजाना के दिनों की तरह करती है। कुछ समय बाद जब उर्मिला शाम के समय घर आकर किचन में जाकर पानी पीने के लिए फ्रिज खोलती है, तो वहाँ पानी की एक भी बोतल नहीं देखकर वो चिल्ला कर कहती है, बहू बहू कहाँ है तू? अभी तक तूने पानी की एक बोतल भी नहीं भरी। क्या हुआ माँ जी, इतना क्यों चिल्ला रही है? जब पानी आएगा तभी तो भरूंगी। एक बात बता, जब पानी नहीं आ रहा तो तू नहा कर कैसे आई? अरे इस समय तो अपना नहाना थोड़ा कम कर देती तो तेरा क्या बिगड़ जाता। माँ जी वो पाइपलाइन में प्रॉब्लम होगी, धीरे धीरे पानी आ रहा था तो मैंने नहाने के लिए किचन का पानी यूज कर लिया। हे भगवान, आग लगे तेरे नहाने पर। पाइपलाइन में धीरे धीरे जो पानी आ रहा है वो रुका हुआ है नलायक। अभी कम से कम 3 दिन तक पानी नहीं आएगा और पीने के पानी से तुम नहा कर बैठ गई। बहुत शौक है ना नहाने का, अब जाकर नाले के पानी से नहा ले, क्योंकि अब सिर्फ वही पानी है और कहीं नहीं है। माँ जी आप ये क्या कह रही हैं? अगर पीने का पानी नहीं है तो हम क्या करेंगे? है ना, बस यही है जो तूने छोड़ा है। एक काम कर, जा इससे भी नहा कर आ जा और 3 दिन निर्जला उपवास कर बैठ। माँ जी ऐसा मत बोलिए, मैं बिना नहाए नहीं रह सकती हूँ। मुझे ना इतनी बार नहाने की आदत है और अब मैं 3 दिन बिना नहाए कैसे रहूँगी? अभी भी इसको नहाने की ही पड़ी है नलायक, ये सोच कि हम लोग इतनी गर्मी में बिना पानी के कैसे रहेंगे, यहाँ तुझे नहाने की पड़ी है। माँ जी कुछ करिए ना। किया तो था पहले से, पानी रखा था पीने के लिए, जो कि तूने एक दिन में ही सुबह से शाम तक नहा नहा कर बर्बाद कर दिया। पीहू के नहाने की आदत के चलते उसके साथ साथ उसके घर वालों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पानी ना होने के कारण सब प्यास से तड़प रहे थे। तभी उसकी सास पड़ोस में जाकर एक मटका पानी लेकर आती है और उसे एक ग्लास पानी देने से पहले आखिरी बार समझाती है। अब समझ में आया पानी की कीमत, कैसे प्यास से तड़प रही है और अपने साथ साथ हमें भी तड़पने पर मजबूर कर रखा है। रोज जो तू इतना लीटर पानी नहाने में बर्बाद किया करती थी उसी का नतीजा है ये। अरे माँ जी ताने बाद में मार लेना, पहले पानी दे दो, गला बहुत सूख रहा है प्यास के मारे। बिल्कुल भी नहीं, उससे पहले तुझे वादा करना होगा, भले ही तेरा शरीर में जितना भी मैल जम जाए तू एक बार से ज्यादा नहीं नहाएगी। माँ जी थोड़ा तो रहम खाओ, दिन में 5 बार नहाती थी, कम से कम 2 बार तो नहाने दो मुझे। मुझे पानी की कीमत अच्छे से समझ आ गई है, अब मैं पानी को सोच समझ के इस्तेमाल करूँगी, बर्बाद ही नहीं करूँगी। उसके इतना वादा करने के बाद उसकी सास पानी का ग्लास उसे पकड़ा देती है और वो पानी पीकर अपनी प्यास बुझाती है। पाखी और अमन एक ही ऑफिस में साथ काम करते थे, दोनों ही अच्छे दोस्त थे। पाखी का अपनी बॉयफ्रेंड धीरज के साथ 5 साल का रिश्ता था। दोनों ही अपने अपने काम में इतना उलझे रहते थे कि एक दूसरे को वक्त तक नहीं दे पाते थे। फिर भी जैसे तैसे करके दोनों का रिश्ता चल रहा था। ऐसे ही एक शाम धीरज डिनर के लिए पाखी को एक रेस्टोरेंट में बुलाता है। काफी देर वेट करने पर भी पाखी वहाँ नहीं आती, जिसके बाद धीरज गुस्से में वहाँ से पाखी के घर जाकर बोलता है, पाखी पाखी। अरे धीरज तुम यहाँ, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? ठीक क्या होगा यार, मैं पिछले 4 घंटे से तुम्हारा रेस्टोरेंट में वेट कर रहा हूँ और तुम पूछ रही हो क्या हुआ? I'm sorry, मैं सच में भूल गई थी, मेरी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी और उसके बाद खाना हमने ऑफिस में ही खा लिया। I'm really sorry यार। वाह वाह क्या बात है, बहुत अच्छे मैडम जी, आपका काम काम और हमारा काम कुछ नहीं। यार मैं भी तो अपना काम छोड़कर तुम्हारे लिए वक्त निकाल कर आया था ना, पर नहीं तुम तो भूल गई। खैर छोड़ो अब मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर धीरज गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद पाखी उसे मनाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो नहीं मानता। कुछ दिनों बाद एक दिन ऐसे ही पाखी को ऑफिस में उदास बैठा देखकर अमन उसके पास आकर बोलता है, पाखी क्या हुआ, कुछ दिनों से देख रहा हूँ
तुम थोड़ा परेशान हो, सब ठीक तो है ना? ठीक ठाक ही है यार। क्या हुआ? देखो हम अच्छे दोस्त हैं, तुम चाहो तो मुझे बता सकती हो अपने दिल की बात। अमन के प्यार से पूछने पर परेशान पाखी उसे अपने और धीरज के बारे में सब बता देती है, साथ ही वो उसे डिनर वाली बात भी बताती है, जिसे सुनकर अमन बोलता है, तो ये बात है। वैसे यार गलती तुम्हारी भी है कि तुम भूल गई, पर गलती इतनी बड़ी भी नहीं थी कि उसे माफ न किया जा सके। वही तो समझा रही हूँ, पर धीरज है कि समझने को तैयार ही नहीं है। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। और हाँ, तुम उदास से चेहरे में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो। सच में? क्या जी बिल्कुल मोहतरमा, चलिए आपका मूड फ्रेश करते हैं, आइए मेरे साथ। इतना कहकर अमन पाखी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बाहर ले आता है और उसे एक अच्छी सी जगह लंच करवाता है। और ऐसे ही वक्त गुजरता है, जहां एक तरफ धीरज के साथ पाखी का रिश्ता कमजोर हो रहा था, तो वहीं अमन के साथ पाखी की नजदीकियां बढ़ती जा रही थी। ऐसे ही एक दिन अमन की गर्लफ्रेंड माही उसे मिलने के लिए ऑफिस आती है, लेकिन अमन वहां नहीं होता, जिसके बाद माही अपनी गाड़ी में ऑफिस से घर की तरफ वापस आ रही होती है कि तभी अचानक से माही की गाड़ी के सामने धीरज आ जाता है। और ये देखकर माही एकदम से ब्रेक मारती है और गाड़ी से बाहर निकल के कहती है, अरे आप ठीक तो है ना? आपको कहीं लगी तो नहीं? सॉरी सॉरी, पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था, सॉरी। अरे नहीं नहीं, आप सॉरी मत कहिए, आपकी गलती नहीं है, मैं ही देखकर नहीं चल रहा था। लगता है आप काफी परेशान हैं। आइए आप मुझे बताइए कहाँ जा रहे हैं, मैं आपको छोड़ देती हूँ। जी ठीक है। इतना कहकर माही धीरज को अपने साथ कार में बैठा लेती है। रास्ते में दोनों बातें करते जाते हैं। माही से बातें करते करते धीरज को फ्रेश फीलिंग आने लगती है, साथ ही माही को भी धीरज से बात करके बहुत अच्छा लगता है। दोनों बातों ही बातों में अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। कुछ देर बाद माही धीरज को उसकी लोकेशन पर ड्रॉप करके वहां से चली जाती है। वक्त यूं ही बीतता है, माही और धीरज दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, तो वहीं पाखी और अमन भी एक दूसरे को चाहने लगे थे, पर चारों ही इस बात से बेखबर थे कि वो सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हैं। ऐसे ही एक शाम धीरज माही को और अमन पाखी को घुमाने के लिए अलग अलग जगह पर ले जाते हैं। तभी मौसम खराब होने लगता है और जोर की बारिश होने लगती है। माही और पाखी दोनों ही अलग अलग जगह पर बारिश का मजा लेने लगती है। तभी धीरज माही के पास आता है और उसे बाहों में भरते हुए बोलता है, माही मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो, शायद जो तुम कहना चाहते हो वही मैं सुनना चाहती हूँ। माही जब से तुम मुझे मिली हो ऐसा लगता है जिंदगी में कोई गम बाकी ही नहीं है, तुम जिंदगी से ज्यादा जरूरी बन गई हो, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ अमन पाखी के पास आता है और उसके माथे पर किस करके बोलता है, पाखी मैं हमेशा तुम्हें यूं ही प्यार करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है धीरज के तुम्हारे साथ होने से, मैं जानता हूँ कि तुम उससे प्यार नहीं करती हो और उससे दूर होना चाहती हो, बाकी मेरी बन जाओ। सच कहूँ तो जो खुशी मुझे तुमसे मिलकर मिली है ना, वो खुशी मुझे धीरज के साथ पिछले 5 सालों में कभी नहीं मिली। जितना मैंने अपनी जिंदगी को इन 5 महीनों में जिया है ना, उतना मैंने अपनी जिंदगी को बीते 5 सालों में नहीं जिया। आई लव यू अमन। आई लव यू टू बाकी। इतना कहकर दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं और बरसात की उस रात में दो नई कहानी का आरंभ होता है। ऐसे ही एक शाम अमन माही को कॉल करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। माही अमन की बताई हुई जगह पर पहुंच जाती है और अमन उसे बोलता है, कैसी हो माही? मैं ठीक हूँ, बोलो मुझे किस लिए बुलाया है यहाँ, आज मेरी याद कैसे आ गई? तुम तो अपनी जिंदगी में इतने मगन थे कि मैं जी रही हूँ या मर रही हूँ ये तक जानने की फुर्सत नहीं थी। देखो मैं जानता हूँ माही कि मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, और बस माफ़ी मांग लेने से मेरी गलती कम भी नहीं हो जाएगी, पर फिर भी मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि मुझे माफ़ कर दो। कोई नहीं, जियो अपनी जिंदगी,
अब जब तुम माफ़ी मांगने आए हो तो मैं एक बात बता दूं तुम्हें कि मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ, तुम भी आगे बढ़ जाओ। हाँ माही, मैं भी तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ, कोई है मेरी लाइफ में जिसे मैं चाहने लगा हूँ। ठीक है, मैं भी तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ, कल शाम इसी जगह आना और इसी वक्त। इतना कहकर माही और अमन अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। और अगले दिन माही धीरज को लेकर और अमन पाखी को लेकर उसी जगह पहुंचते हैं जहां पाखी और धीरज एक दूसरे को किसी और के साथ देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी धीरज बोलता है, तो अब समझ आया कि क्या रास्ता तुम्हारा मुझे भूल जाने का, मेरी बातों को भूल जाने का। कम तो तुम भी नहीं हो, जो गलती मैंने की वही तुमने भी की, बराबर के हिस्सेदार तो तुम भी हो। पाखी, क्या है ये सब, क्या हो रहा है, क्या ये धीरज है? हाँ, ये सब क्या हो रहा है? अमन और माही की बात सुनकर पाखी और धीरज उन दोनों को अपने रिश्ते के बारे में बताते हैं, जिसे सुनने के बाद माही बोलती है, सच तो ये है अमन कि तुम मेरे लिए और धीरज पाखी के लिए बना ही नहीं है, शायद किस्मत ने इसलिए ही हम सबको मिलवाया है एक दूसरे से। माही सही कह रही है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, अब हम चारों ही अपनी जिंदगी में खुश हैं, हमें वो मिल गया जो हम चाहते थे। अब हम कोई ऐसा रिश्ता नहीं निभा रहे हैं जिस रिश्ते में बोझ बनकर रहना पड़े, सब कुछ ठीक है और हम सब साथ हैं। चलो फिर हम सब मिलकर सब पुरानी बातें भूल जाते हैं और प्यार के इन बदलते रंगों में अपनी जिंदगी में नए रंग भरते हैं। और इस तरह प्यार के बदलते रंग के इस खेल में चार लोगों की जिंदगी एक नई खुशियों से भर जाती है। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।